आप यूके में एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं पिछले ढाई साल से आपकी पर मंथ सैलरी कितनी है सैलरी कितनी <laughs> सैलरी अच्छी है, <laughs> <कितनी अच्छी> है? <laughs> टैक्सेस काफी थर्टीडर्टी तो <laughs> अच्छा, 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 अच्छा? अच्छा. पाकिस्तान के लिहाज से तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के लिहाज से आप पाउंड है इसमें कितना रेंट कितना लग जाता है रेंट मैं चूके सिंगल रह रहा हूँ तो मेरा रेंट थोड़ा कम है फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड पाउंड मंथ और एवरेज कितना होता है लोगों का जो रह रहे होते हैं अगर आप अच्छे एरिया में रह रहे हैं लंडन ऑक्सफोर्ड के एवरेज वाली साइड पर मिडलैंड में रह रहे हैं तो 800, 900 एक रूम का पे करते हैं फैमिली के साथ रह रहे हैं 1500, 1700 भी पे कर रहे हैं लोग अच्छा 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 आप कौन से इलाके में रह रहे हैं मैं ब्लैक बैन में ईस्ट लैं शहर मैनचेस्टर के ऊपर और आपका पर मंथ ग्रोसरी कितने पाउंडस लगते हैं ग्रोसरी फोर हंड्रेड थ्री खाना ज़्यादा बाइट से खाता हूँ मैं अच्छा बनाना नहीं <laughs> <laughs> मैं घर में कुकिंग कम करता हूँ अच्छा इसलिए मेरा, मेरा थोड़ा सा आपका वन फिफ्टी टू हंड्रेड बिल्स इंक्लूडिंग मेरा थोड़ा सा कम है लिविंग कॉस्ट मेरी थोड़ी सी कम है यूके में आपका सब कुछ पूरा हो रहा है मेरा हो रहा है हर किसी का नहीं हो रहा है अच्छा हर किसी का मतलब एक्सपेंसिस डिफरेंट है कहीं पर खर्च करा है कहीं पे तो मेरा थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छा, थोड़ी तो सी कम तो है आपकी सेविंग कितनी पर मतलब एक डॉक्टर जा रहा है वो 3500 पाउंड कमा है उसकी सेविंग कितनी बन जाती है फिर हाँ अली भाई इस पर डिफरेंट फैक्टर्स काउंट करते हैं ना अगर आप सिंगल रह रहे हैं आप पे रिस्पांसिबिलिटी वहाँ पर फैमिली की नहीं है तो आप एक्स्ट्रा लोकम्स वगैरह काफ़ी कर लेते हो और अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है तो आप पे पोर्टफोलियो का बर्डन नहीं है आप अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन नहीं कर रहे हैं बस टाइम थोड़ा होता है लोकम्स वगैरह कर लो आप बात काट रहा हो बता दें लोकम क्या होते हैं बहुत से लोग मेडिक, नॉन मेडिकल वाले हो भी होते हैं लोकम्स <laughs> एक्स्ट्रा वर्क आप अपने कॉन्ट्रैक्ट आवर्स से बाहर अगर काम करते हैं तो उसका अच्छा पे करते हैं यूके में आपको तो आपने मैक्सिमम लोक कम एक्स्ट्रा वर्क करके कितना कमाया पर मंथ अच्छा काम कर लेते हैं आप थर्टी में सिर्फ ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स डेज काम करो तो आप यू कैन अर्न मोर दैन सिक्स थाउजेंड पाउंडिक्स थाउजेंड तक भी स्ट्रेच किया जा हाँ, सकता है स्ट्रेच किया जा सकता है अगर आप हाँ, पोटेंशियल है आप में एनर्जी है आप नए नए यू में गए हैं आप काम कर सकते हैं अभी कर रहे हैं तो और तो ये टेक तो अवे ये टेक अवे हाँ, वर्किंग मगर इनिशियल पे तो अक्सर डॉक्टर्स की ट्वेंटी पाउंड है तो आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं मैं सीनियर क्लिनिकल लिए निकल एमरजेंसी में आप जब जाते हैं एफ टू की एफ टू की सैलरी होती है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का ट्वेंटी एट हंड्रेड तो उसमें भी आप अच्छा मैनेज कर लेते हैं आप पाकिस्तान से गए हैं या तो पाकिस्तान के लिहाज से अगर आपको वहाँ फाइनेंस को मैनेज करने की आदत है <coughs> तो आप वहाँ अच्छा सेव कर सकते हैं क्या मैं बात करना चाहता हूँ टैप टैप सेंड की जिसने पावर की ये वीडियो टैप टैप सेंड एक मनी ट्रांसफर ऐप है अगर आप यूके यूएस यूरोप या कनाडा से पाकिस्तान पैसा भेजना चाहते हैं तो टैप टैप सेंड डाउनलोड करें लिंक दिया हुआ है और फिर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा टॉक अली आपको इंस्टेंटली टेन डॉलर या टेन पाउंड का आपको बोनस मिलेगा और एट द सेम टाइम कोई रिमिटेंस चार्जेस नहीं है और बहुत तेज से बाहर के मुल्क से पाकिस्तान पैसा आ जाता है आपने भेजा पाकिस्तान बाहर के मुल्क से पाकिस्तान पैसा हाँ <laughs> हम भेजते हैं सारी रेमिटेंस तो भेजते हैं पाकिस्तान अपने वालों को मतलब माशाल्लाह से आप पाउंड पर सेव कर रहे हैं हाँ, इतना तो हो ही जाता है आपने गाड़ी रखी में? हाँ मैंने पर गाड़ी ली है तो आपको पर मंथ कितना देना पड़ता उसका? उसका काफी है उसका ज्यादा है कितनी देर के लिए देना वो मैंने थ्री ईर्स थ्री ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है एन एच एस प्लेट कौन सी गाड़ी वैसे टेस्ला अच्छा। <laughs> <laughs> अब ठीक है मेरी लिविंग कॉस्ट चार सौ भी नहीं है तीन सौ है ठीक है अब ठीक है <laughs> अब ठीक है अच्छा ठीक है और उसके अलावा कोई और आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट है आपने बताया आप तो बहुत ट्रैवल करते रहते हैं आपके प्रोफाइल का सारों को पता है भाई कभी आप कहीं जा रहे हैं कभी आप कहीं जा रहे हैं <laughs> तो कितना मैनेज होता है स्विट्जरलैंड पहुंचे हुए कभी आप दुबई पहुंचे हुए कभी आप रशिया गए कितना जाते रहते, 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 रहते हैं आप नहीं मुझे हर बंदे का अपना वो होता है कि वो कहाँ पर स्पेंड करना चाह रहा है तो मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी ज्यादा शौक है डिफरेंट मतलब मेरा यूके जाने का मोटिव यही था कि मुझे वेस्टर्न नेशन ट्रैवल करना स्विट्जरलैंड जर्मनी फ्रांस कैंडोनीवियंस और मुझे काफ़ी शौक था तो मेरा ज़्यादा खर्चा ट्रैवलिंग पर रहता है तो लिविंग कॉस्ट मेरी काफ़ी कम है इंटेंशनली और मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा तो डू यू थिंक ये ट्रैवलिंग पॉसिबल होती है पाकिस्तानी डॉक्टर के लिए अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे होते नहीं 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 पाकिस्तान में रहकर इतना आपको एक्सपोजर ही नहीं होता और आपको बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल होती हैं टू गेट अ वीज़ा फॉर एनी शेंजियन स्टेट इट्स वेरी हार्ड टू गेट फ्राम पाकिस्तान आई एव बिन ट्राइंग गेटिंग शेंजियन वीज़ा वर्किंग इन पाकिस्तान एंड इट वज़ वेरी डिफिकल्ट और यू में रह के ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है तो अगर आप एस्पायर कर रहे हो इन चीज़ों को तो ये मेरा ख्याल है वेस्टर्न नेशंस को ट्रैवल करना यूके में काम करते हुए बहुत आसान है आपके वहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करना वहाँ से वीज़ा हासिल करना किसी भी शेंजन स्टेट के लिए वो बहुत इजी है तो एज़ अ डॉक्टर आप जब काम करो यूके में तो आपके लिए सारा प्रोसेस आसान हो जाता है वीज़ा वाला बहुत आसान होता है बिल्कुल ऐसे ही आप यू जस्ट नीड अ जॉब लेटर एम्प्लॉयमेंट लेटर दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग इन यू आपका एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपकी बैंक स्टेटमेंट वो क्रेडिबल हिस्ट्री होती है आपकी तो यू का डॉक्टर तो नहीं भाग के अब स्विट्जरलैंड जाकर तो नहीं छुप जाएगा तो पाकिस्तानी यहाँ पर काम करते हो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं और इट्स वेरी हार्ड टू तो गेट एनी शैनजन स्टेट वीजा वर्किंग इन पाकिस्तान आपको मिले हुए हाँ मुझे तो मिले हुए कौन कौन सी कंट्रीज में ट्रैवल किया आपने मैंने शैजन तो काफ़ी ट्रैवल किया हुआ टू स्विट्जरलैंड जर्मनी फ्रांस इटली लेगजम्बर्ग लाइचिंगस्टेन ऑस्ट्रिया नॉर्वे आइसलैंड टर्की बस बहुत